G20 आखिर है क्या? ये एक ग्लोबल समिट है जिसमें दुनिया की ऐसी 20 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। ग्लोबल इकोनॉमी को लेके वो लोग डिस्कस करते हैं और उसके सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई करते हैं। इस साल दिसंबर 1 से लेके नवंबर 13 तक प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। तो इंडिया ने इस साल कई सारे मीटिंग्स ऑलरेडी इस तरह से कर चुके हैं। हेल्थ सेक्टर्स के वेल नोन पर्सनालिटीज हैं, उन सब के इनपुट्स लिए गए। उसका जो मेन थीम था उसकी डिटेलिंग हम इसमें देख लेते हैं। स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, दैट इज हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ एंड विद गुड हेल्थ एवरी टास्क कैन बी अकम्प्लिश्ड। Our vision of one earth, one health envisages good health for the entire ecosystem, for humans, animals, plants, and the environment. The theme, one earth, one family, one future, I think you gave us a good experience as one family, and I hope we can work together towards the Brazilian presidents on the climate change and health. It should be our joint effort to build a global repository for traditional medicine. G20 है उसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसका जो कलर शेड है वो भारत के तिरंगे के साथ देखने को मिलेगा। इसका जो वर्ल्ड है उसके नीचे आपको कमल का पुष्प देखने को मिलेगा जो नेशनल फ्लावर का रिप्रेजेंटेटिव है। साथ में वसुधैव कुटुंबकम का जो थीम है वो आपको बता रहा है वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, संस्कृत के महा उपनिषदों में से लिया गया है। इसके साथ भारत वर्ल्ड उसको देवनागरी का देखने को मिलेगा। तो G20 ने अभी तक इतने सारे अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन करके फ्रूटफुल एटीट्यूड बताया है। नजदीकी समय में आपको पूरे ग्लोबल पर उसकी इफेक्ट होती हुई देखने को मिलेगी।